हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, अभी बच चुके हैं मॉर्निंग के 6 o'clock और वक्त जाएगा आज स्कूल संस्कृति की। ऑलरेडी छुट्टी पड़ चुकी है क्योंकि पेपर की तैयारी के लिए स्कूल ने छुट्टी दे रखी है और एग्जाम है फाइनल इनके 8 तारीख से। 8 से 20 को खत्म हो जाएंगे सारे एग्जाम, इतना बर्डन है बहुत ज़्यादा। और कोको महाराज जी उठ चुके हैं और गाइस मैंने बनाई है प्यारी सी कॉफी संस्कृति के लिए। वो कैसे झुक के पड़ रही है, कैसे बिस्तर फैला रखा है, बिल्कुल बहुत ही गंदा वाला। और ये नीचे सकती आँखें बंद करके कॉफी ढूंढी जा रही है। बच्चों को देख, 5-5 बजे तक पढ़ रहे तो देखो तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा हो गई है क्या? डिपेंड उस पर करता है जिसके नंबर आए और परसेंटेज आए। तुम दिन रात पढ़ लो, तुम्हारे रिजल्ट नहीं आएगा तो दिक्कत तो है ही ना बेटा। डार्क सर्कल भी आ गए, कुछ ना आएगा, तेरा साफ लग रहा है इसमें। आंखें दिखेंगी नहीं, कुछ दिन बाद अंदर चली गई है। कॉफी पी ले बेटा, मैप निपटा ले। आप मैप भी नहीं देखी, यूं कह रही थी 4 नंबर के लिए कौन मैप पड़ेगा इतना सारा। 4 नंबर के लिए इतना सब करूं मैं? हाँ, तो इतने 4 नंबर के लिए इतना सब करूं मैं? हाँ कर। हम तुमसे मिलने आए हैं इतनी दूर से, हमको प्यार करने की बहुत जरूरत है, हमें प्यार कर दो। हम जा रहे हैं अपने के नगर वापस जा रहे हैं। गाइस, वत्सल यहाँ पे वेट कर रहा है और उसका जो फ्रेंड था, जुपिटर नाम रखा हुआ है, इस ब्लैक डॉग का स्ट्रीट डॉग है और वो फिलहाल तो चला गया है। अभी बस का इंतजार कर रहे हैं, बस अगर आ जाती है वक्त पे तो बस हम बस बच्चे को बैठाना है संस्कृति का, तो घर से ही रहेगा क्योंकि रिविजन चल रहे हैं। और भैया गाड़ी ऐसे आ रही है और ऐसे भाग रही है, आज तो जैसे इनकी फ्लाइट छूटी जा रही है ना। मैंने वो गाड़ी का अंकल भी देख लिया, ड्राइवर है ना। इस गाड़ी से कुत्ता निकलते हुए और यहाँ पे वत्सल की आंखें फटते हुए। वत्सल को बहुत पसंद है डॉगीज, तो ये गली के हों, घर के हों, सब डॉगीज से बहुत प्यार करता है ये मेरा बच्चा। और हमें भी करते हैं, हम भी करते हैं और हमें भी बहुत लगाव है। गाइस आ गए, वो आया, देखिए छोटा सा चिकोटी सा बाबा। ये देखो भैया, ये फिनिक्स लग रहा है ना, फिनिक्स जैसा ही लग रहा है। अरे अरे अरे, मुंह में भूखा पड़ लिया। चलो बेटा चलो। तो गाइस 8 बज चुके हैं, कोको को लगता है कि हम कहीं जाने वाले हैं जैसे कैमरा ऑन होता है। बेटा कहीं नहीं जा रहे हैं, इतना क्यों आपत कूट रहा है? और यहाँ पर राधिका देखिए अपने योगा शोगा मेडिटेशन कर रही हैं आजकल, और फिलहाल यही काम चल रहा है घर में। अभी थोड़ी देर बाद हम नहाएंगे धोएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद संस्कृति से एक बात करेंगे। संस्कृति, 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16 16 जा। देखो गाइस, 3 स्टेप पे लड़की हार गई, गिव अप कर गई। गाइस देखो, ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर तुम गौर से देखोगी ना तो तुम्हें ये सब याद हो जाएगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा। इन द इवनिंग आई विल आस्क यू, जब तक लैक्स में नहीं जाता। नहीं बिल्कुल बिल्कुल करना है आपको। छोटा कारतूस तो गया हुआ है स्कूल और वो वहाँ पे आज मस्त रहेगा, उसको बहुत सारा काम मिला है गाइस स्कूल का, तो उसका अपना एक्सरसाइज वगैरह सब करेगा वहाँ पे जाके, खेल कूद करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, बाबू बनेगा। आज गाइस राधिका ने उसे हीरो होंडा का मालिक बरकरार कर दिया है, और जब भी गुस्से में कोई बात बोलती है तो वो पूरी उतरती है, तो हीरो होंडा का नया मालिक बनने के लिए तैयार हो गया है वत्सल। मम्मी का क्या, मम्मी तो ऐसी मोगू भी कह रही है एक दिन है मैकडोनल्ड के मालिक, मैं तो ना मना आज तक मोगू तो कोई ना दे रहा था, एक भी बर्गर बर्गर कुछ ना दिया रे भैया, मैक पफी दे देते 25 रुपए वाला, वो भी ना मिलता मोगू तो। मम्मी कैसे कह दो तुम ये आशीर्वाद चलेंगे? ऐसा है, मैं कह रहा हूँ तो मान ले, तू भी बनेगा एक दिन अगर तुझे बोला होगा। तू बनाऊंगा, तुम बनाओ ब्रेकफास्ट जो भी बनाना है। आमलेट मुझसे टेस्टी नहीं लगता। आमलेट बनेंगे तो मैं बनाऊंगा, पोहा बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा। पोहा तो खैर बेकार बनाने लगी, मतलब मैं बेकार पोहा बनाता हूँ? सिर्फ पानी लगता है आजकल उसमें यार। कैसे, मतलब कुछ भी बोलती हो तुम? पानी पानी फील होता है उसमें ज्यादा आजकल। मैंने तो पानी भरा ही नहीं कभी भी पोहे में, तुम्हें पानी पानी कैसे फील होता है? मम्मी का क्या पता है, मम्मी तो पानी में भी पोहा रख दें, कई बार मैंने देखा भी होते हुए मम्मी को। कौन गया था वत्सल? बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी बनाते हैं। देखो बना के तैयार भी कर दिया और इन्हें इस बात का घमंड नहीं है गाइस, क्योंकि इन्हीं का सेंटेंस है। तो गाइस बहुत ही डिलीशियस है और देखो लड़की तो बस खाने के टाइम पे आ जाती है, बनाने का काम नहीं है गाइस जिसका कभी भी। तो
तो गाइस 9 बज चुके हैं। हमें तो पता नहीं पापा, हमें तो कोई होमवर्क देता ना, हम तो मम्मी मैया जी को, हमारी तो मैया जी यहाँ पे पता नहीं के बोरे में लेके मुझे कहीं पर फेंक के आने का प्लान बना रही है। भैया मम्मी बोरे किस लिए रख रही हो, इतने मौको मत बांध लीजिए गलती से भी। हाँ दे दो मुस्कान को दे दो, मैं तो डर ही गया था भगवान का सब मेरे। ऐसी बनाते थे गूंगी गाइस, जब बरसात होती है ना तो ऐसे इसको पाट को यूं डालो और अपने भाग जावे खेत में, जोरों का अगर प्रेशर भी लगाए तो भागे जाते थे। छाते की कहाँ जरूरत हुआ करती थी उन दिनों, संजू प्रेशर लगाए, गांव में तो होते नहीं थे शौचालय। हाँ मुस्कान सही है, सही में अब बारिश हुई नहीं है, जादू बना दो उसको। तो गाइस मैं फिलहाल निकलूंगा, इनकी बातें चलती रहेंगी पूरा दिन। तो गाइस 8 बज चुके हैं, अभी घर आया हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि घर में ना काम चल रहा है। तो देख सकते हैं मेरा जो कोको बाबा है ये आ गए हैं मिलने। कैसे हो बेटा? जीते रहो बेटा, जीते रहो। संस्कृति आज ये हम मौन व्रत करके बैठी हुई है गाइस, और इनके शायद कोई क्लास चल रही है ना। देखो तो बहुत पावर आती है। गेट खुला ही हुआ था बेटा, बच्चे मेरे, बच्चे मेरे लड्डू मेरे पेड़े, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ गाइस। राधिका रानी जो है बैठी हैं, बच्चों का होमवर्क हमेशा लेके मिलती हैं मुझे जब भी मैं आता हूँ। करा दिया सारा काम आज तो तूने, बड़ी फास्ट करा दिया यार। बस अब एकस कर रहा है, बाकी तो पढ़ाने वाली करा दी, तीन टेस्ट है वो तैयार करवा दी। अच्छा कर रही थी मैं जब से एडिटिंग काफी है, अभी खाना भी लेट कर दिया। कोई बात नहीं, आज तुमने क्या फेस वेस पे रगड़ा है, कुछ चमक आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ क्या रगड़ा? तो गाइज नेचुरल ट्रीटमेंट चल रहे हैं, और समझ रहे हो गाइज, कभी ये नहीं सोचती कि पति के भी थोड़ा बहुत लगा दूं, थोड़ी सी इनकी रूखी सी स्किन है उसको चमका दूं, पता नहीं अपनी अपनी चमकाती रहती है गाइस। मेरे नाम पे तो चमक ही नहीं है, खुद के चेहरे पे देखो कितना ग्लो आ रहा है एकदम, यार क्या इतना खूबसूरत चेहरा लग रहा है। और मुझे कभी भी तुम सोचती नहीं हो कि थोड़ा बहुत भी कुछ लगा दूं, कैमरे में नहीं, कैमरा तो नेचुरल है मेरा। मम्मी मेरे साथ भी छल कर रहे हैं भैया, माँ को तो बताती ना क्या करती रहे, मैं पूछने भी आऊँ, चाटने भी आऊँ, देखने भी आऊँ, पर मेरे चेहरे पे एक बार भी फेस पैक ना लगाया, मैं कितना कालो हो रहा हूँ। मम्मी मौको ना लगाती, क्यों ना लगाती मौको? मम्मी देखो ऐसे है, जब कोई बात हो ना पापा तो बिल्कुल ऐसे ही बस ऐतराज करके चुप हो जाओ। बेटा ऐतराज नहीं कर रही, वो अवॉइड कर रही है तुम्हें। हाँ। प्रिंट आउट नहीं निकला है, रीजन दुकान बंद थी, अब मैं यहाँ से ला सकता हूँ निकाल के। निकाल लो यार, उसको तो प्रैक्टिस करनी है, इसको तो कल पेपर है। तो मैं लेके आता हूँ अब, मैं तो अभी जस्ट याद आया, और मैं अब जस्ट ही याद आया, मुझे सीरियसली बता रहा हूँ। तुम कैसे निकाल लोगे? मेरे पास है, जाओ तो निकाल के लाओ वो जल्दी से। गाइस एक कल का काम पेंडिंग था, वो काम कराने अभी मुझे निकलना पड़ेगा, और वो काम है संस्कृति का, एक पॉलिटिकल मैप है फ्रांस। तो मतलब फ्रांस का कोई मैप वैप नहीं होता, बट इसको फ्रांस का ही मिला है, रेगुलेशन मैप है, तो मैं लेके आता हूँ। तो गाइस अभी ना प्रिंट आउट लेके आऊंगा, और प्रिंट आउट का ना सिलसिला कल से ख़त्म नहीं हो रहा है, आज प्रिंट आउट लूंगा और एक शीट और दे दी एडिशनली, उस पर भी काम करूंगा अभी। तो फिलहाल ना संस्कृति के लिए जो प्रिंट आउट लाने थे वो मैं ले लिए हैं प्रिंट आउट लेके, और अब वो अपना होमवर्क वगैरह जो पेंडिंग चल रहा था उसको पूरा करेगी। रानी कोई गुटखा खा के गया, पूरी लिफ्ट में ना अजीब सी स्मेल हो रही है। लोग गुटखा खाते क्यों है यार, इतनी गंदा गंदा सारा दांतों का, मुंह का, बसरे का, पता है उससे कैंसर भी होता है, उसके बावजूद भी लोग खाते रहते हैं गाइस। भाई आप बताओ, आप मतलब क्यों खाते हैं लोग, क्यों नहीं छोड़ सकते गुटखा? सर दर्द हो जाता है मेरा इसके गुटखे की स्मेल से। संजू ये लो बेटा, कुछ मांग रही है? चॉकलेट। बेटा कल तो खाए थे बिस्किट चॉकलेट पे, अब मैं नहीं लाया बेटा, प्रिंट आउट तो ले लिए। हाँ तो मैं जल्दी कहाँ लाया, बहुत देर लगी है मुझे तो। अब तुम बिजी हो तो इसका मतलब हम जल्दी आ गए हैं। मुझे दो ही मंगवाने थे, अब चार क्यों लेके आए? दिमाग खराब मत करो मम्मी। संस्कृति मुझे लगा पापा आगे पीछे दो निकलवाएंगे। मैंने आपको कहा था ना, मैंने बोला नहीं था एक पेज पे दो चाहिए मुझे? मैंने जब तुम्हें पीछे नहीं निकलेंगे, ओ मुझे लगा आप आगे निकलवाओगे ऐसा पीछे। चलो छोड़ो, देखो गाइस कैसे मेरा मतलब सी बना रहे हैं यहाँ पे बैठ के दोनों, मम्मी बेटा। तुम तो मेरे साथ कनेक्टेड थी संस्कृति की, मम्मी एक पेज पे दो आएंगे, तुम्हें कंफर्मेशन थी ना? पता थी, मैं सुने दो पेज के लिए बोल रही है कि दो चाहिए मुझे। ये रिजिड हो गई थी उस टाइम कि मुझे दो चाहिए। मैं कोई चॉकलेट नहीं लाया हूँ गाइस, मैं इतनी चॉकलेट रोज रोज नहीं ला सकता हूँ,
कल मैंने इनको खिलाई थी ओरियो की और आज ये मेरे को कह रहे हैं चॉकलेट और लाओ। कल इतना सारा सामान लाया हूं, इतने बिस्किट्स नमकीन सब इनके लिए है, मैं नहीं खाता, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दीज थिंग्स, मुझे कभी मिलती भी नहीं है गाइस, मैं तो मतलब लिटरली में कोई शिकायत भी नहीं है। तो गाइस 11 बजने वाले हैं और अब ही मैं करूंगा वीडियो एडिट, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूंगा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। कल फिर मिलेंगे एक नए फ्रेश व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।